दोस्तों, कुछ पक्षी काफी बेहतरीन शिकारी होते हैं। ये अपनी सुविधा अनुसार अपने शिकार को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने के बाद मार देते हैं। कभी कभी तो ये ऑन द स्पॉट भी मार डालते हैं। इन पक्षियों के शिकार करने का तरीका कभी कभार इतना दर्दनाक और बेरहम हो जाता है जिन्हें देखकर शायद हर कोई हैरान हो जाए। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उल्लू कैसे एक चूहे का शिकार करता है या एक मैगपाई कैसे दूसरों के घोंसले में घुसकर अंडे चुरा लेती है? अगर नहीं तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। पैरेग्रिन फॉल्कन वर्सेस डक। पैरेग्रिन फॉल्कन लगभग 321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाइव कर सकता है। ये स्पीड दूसरे पक्षियों के मुकाबले काफी ज्यादा है। यहाँ एक डक आराम से जमीन पर बैठा रहता है और तभी इस पर ये फॉल्कन इतनी तेजी से अटैक करता है कि इसे भागने तक का मौका नहीं मिलता और ऑन द स्पॉट इसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद पैरेग्रिन फॉल्कन वापस लौट कर आता है और डक के मांस का मजा लेता है। इस क्लिप में एक दूसरा पक्षी एक डक का शिकार करने ही वाली होती है कि वहां फुल स्पीड से पैरेग्रिन फॉल्कन पहुंच जाता है और डक को उस पक्षी के आंखों के सामने से चुरा लेता है। ऑल वर्सेस रैट। उल्लू देखने में तो दूसरे पक्षियों से काफी यूनिक होता है, लेकिन शिकार के मामले में ये भी दूसरे शिकारी पक्षियों की तरह काफी क्रूर होता है। यहाँ इस उल्लू ने अपने पंजों में एक जिंदा चूहे और पेड़ की टहनी को दबा रखा है। ऐसे में इसके लिए चूहे को खाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए ये चूहे को अपने मुंह में दबा कर दूसरी जगह ले जाता है और फिर आराम से खाता है। उल्लू ज्यादातर अपने शिकार को पूरा निगल जाना पसंद करते हैं, जैसे इस क्लिप में ये उल्लू एक बड़े से चूहे को निगलने में लगा हुआ है, लेकिन चूहा इतना मोटा है कि उल्लू को उसे पूरी तरह से निगलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उल्लू हार नहीं मानता और आखिरकार चूहे को पूरा निगल जाता है। स्क्यूआ वर्सेस पेंगुइन। स्क्यूआज काफी हिंसक किस्म के शिकारी पक्षी होते हैं। ये समुद्र के किनारे रहते हैं, इसलिए इनके लिए पेंगुइन का शिकार करना आम बात है। यहाँ पर स्क्यूआ एक पेंगुइन के चिक को घसीटते हुए ले जा रहा होता है, लेकिन बेचारा एडल्ट पेंगुइन डर के मारे इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और ये दोनों पक्षी इस छोटे पेंगुइन को ऐसे फाड़ने में लग जाते हैं जैसे वो कोई रस्सा कसी कर रहे हो। स्क्यूआज काफी हिम्मती किस्म के पक्षी होते हैं। इनके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि एडल्ट पेंगुइन के पैरों में से ही उनके बच्चे को निकाल कर ले जाते हैं। इस क्लिप में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे स्क्यूआ एडल्ट पेंगुइन के सामने से उसके बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। हेरन वर्सेस गोफर। हेरन पक्षी का शेप दूसरे पक्षियों से काफी अलग होता है, इसलिए इनकी पहचान आसानी से की जाती है। ये शिकार करने से पहले अपने प्रे को काफी ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, जैसे यहाँ पर हेरन एक गोफर पर नजर बनाए रखे हुए है और फिर जैसे ही मौका मिलता है ये बड़ी तेजी से गोफर को दबोच लेता है। यहाँ ये गोफर को मारने से पहले उसके साथ कुछ देर तक मौत का खेल खेलता है और जब इसका मन खेल से भर जाता है तो ये एक झटके में गोफर को निकल जाता है। इस क्लिप में भी आप हेरन के ऑब्जर्व एंड अटैक टेक्निक का बेहतरीन एग्जांपल देख सकते हैं। इस क्लिप में आप बिल्कुल पास से देख सकते हैं कि एक हेरन अपने शिकार को कैसे खाता है। स्पैरोहॉक वर्सेस मैगपाई। स्पैरोहॉक घात लगाकर अटैक करने वाले पक्षियों में से हैं। इनकी इस टेक्निक के कारण इनका शिकार इनसे बचकर भाग नहीं पाता। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि स्पैरोहॉक ने एक मैगपाई को अपने पंजों के नीचे दबा रखा है और बार बार अपनी चोंच से मैगपाई को मारने में लगा हुआ है। बात जब मैगपाई को खाने की आती है तब स्पैरोहॉक पहले मैगपाई के ऊपर खड़ा हो जाता है और फिर अपनी चोंच से नोच नोच कर मैगपाई के पंखों को निकाल देता है और फिर अंदर का मांस खाना शुरू कर देता है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे स्पैरोहॉक मैगपाई के अटैक से खुद को बचाते हुए उसे अपने पंजों के नीचे दबाए हुए है और खुद मैगपाई के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा है। क्रॉ वर्सेस रैट। क्रॉ दूसरे पक्षियों के मुकाबले काफी बुद्धिमान होते हैं। एक कौए के लिए चूहे को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ एक कौआ इस चूहे पर बार बार अपनी नुकीली चोंच से अटैक कर रहा है ताकि चूहा घायल हो जाए और भाग कर ना जा सके। इस दूसरी क्लिप में चूहा कौए से बिना डरे फाइट बैक कर रहा है। चूहा इस फाइट में अपनी जान बचा भी लेता अगर इसकी पूंछ काफी लंबी ना होती। इस लड़ाई में कौआ चूहे की लंबी पूंछ का फायदा उठाता है और अंत में उसे मार डालता है। यहाँ पर भी कौआ पहले बड़ी बेरहमी से चूहे को अपनी चोंच से मार मार कर घायल करता है और जब चूहा भागने में असमर्थ हो जाता है तो उसे दूसरी जगह पर ले जाकर मजे से खाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा पक्षी सबसे खतरनाक लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें।